कैसे हैं आप? वेलकम वंस अगेन इन माय ट्यूब चैनल। मैं आपका अपना आलोक इंडियन आज आपको एक बार फिर से ले चलता हूं द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तर के महान मैदान में। यह है इस सीरीज का वीडियो नंबर 3। इसके फर्स्ट टू वीडियोस में आपने पढ़ा हमारे भारत के महान मैदान का निर्माण कैसे हुआ, साथ ही साथ उसका डिवीजन क्या है, उसका विभाजन क्या है। इसके विभाजन में हमने नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण की ओर इसका विभाजन किया और इसको हमने भावर प्लेन, भावर मैदान, तराई, बांगर और खादर प्रदेशों में विभाजित किया। आफ्टर दैट हमने इसका वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन किया, पश्चिम से पूरा विभाजन किया, जिसमें हमने इसको राजस्थान प्लेन, राजस्थान के मैदान, पंजाब हरियाणा प्लेन, पंजाब हरियाणा के मैदान में विभाजित किया और उनको पढ़ा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गंगा प्लेन, गंगा के मैदान को और ब्रह्मपुत्र प्लेन, ब्रह्मपुत्र मैदान। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं द गंगा प्लेन, गंगा का मैदान। इट मीन्स दैट जो ये प्लेन जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका निर्माण गंगा और उनकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है। गंगा और उनकी सहायक नदियां अपने साथ जो मलबों को ला करके जमा किए, उनके जमा करने के परिणाम स्वरूप ही गंगा के महान मैदान का निर्माण हुआ। इसका विस्तार देखें, इसका एक्सटेंशन देखें, तो पश्चिम में यमुना कैचमेंट एरिया, यमुना जल ग्रहण क्षेत्र से लेकर के पूर्व में असम और बांग्लादेश के बॉर्डर तक होता है। इसका कुल क्षेत्रफल देखा जाए तो ये 357,000 किलोमीटर स्क्वायर में विस्तृत है। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। इसका औसत चौड़ाई 300 मीटर है। गंगा के इस विशाल मैदान को अपर गंगा प्लेन, ऊपरी गंगा मैदान, मिडल गंगा प्लेन, मध्य गंगा मैदान, लोअर गंगा प्लेन, लघु या निचला गंगा का मैदान में विभाजित किया जाता है। आइए देखते हैं। तो मैंने कहा गंगा के मैदान का जो हमारा वेस्टर्न बाउंड्री होता है, गंगा के मैदान का जो पूर्वी बाउंड्री होता है, वो हमारे यमुना का कैचमेंट एरिया होता है, यमुना का जल ग्रहण क्षेत्र होता है। आफ्टर दैट ये यहां से लेकर के पश्चिम अपने पूर्व में असम और बांग्लादेश के बाउंड्री तक का होता है। ठीक है, इसका विस्तार अगर देखा जाए तो इसको हमने 3 भागों में बांटा है, अपर गंगा प्लेन, ठीक है, ऊपरी गंगा का मैदान, मिडल गंगा प्लेन, मध्य गंगा का मैदान एंड लोअर गंगा प्लेन, लघु या कह सकते हैं निचले गंगा का मैदान। ओके, जो अपर गंगा प्लेन है, अब हम पहले उसकी स्टडी करते हैं, बट आप यहां पे मैप पहले देख लीजिए। जो अपर गंगा प्लेन है उसका एक्सटेंशन कहां से कहां तक है, तो अपर गंगा प्लेन का एक्सटेंशन इसके पश्चिम में यमुना कैचमेंट एरिया है, इसके पश्चिम में यमुना का जल ग्रहण क्षेत्र है, तो इसके पूर्व में 100 मीटर कॉन्टूर है। कॉन्टूर का मतलब होता है समोच्च रेखा। समोच्च रेखा में मतलब ऐसी रेखा जो समान ऊंचाई वाले स्थानों को आपस में जोड़ता है। इट मीन्स दैट सपोज कीजिए कि हमने कुछ इस प्रकार से, हमारा कोई लैंडफॉर्म है कुछ इस प्रकार से है, तो ऐसे में समान ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ने वाली जो रेखा होती है उसे हम समोच्च रेखा या कॉन्टूर लाइन बोलते हैं। तो 100 मीटर की ऊंचाई वाले जो लाइन होंगे, उनको जोड़ने वाली जो लाइन होगी उसको क्या कहेंगे, 100 मीटर कॉन्टूर लाइन। ओके, तो इट मीन्स दैट कि इसके पूर्व की बात की जाए तो पूर्व में जो 100 मीटर का कॉन्टूर लाइन होता है वो इसका ईस्टर्न बाउंड्री फॉर्म करता है हमारे अपर गंगा प्लेन का। ठीक है, और नॉर्थ में शिवालिक है ही। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा रीजन होता है अपर गंगा प्लेन का। ओके, अब हमें ये अपर गंगा प्लेन का रीजन पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है, देखिए ये UBPCS ज्योग्राफी सब्जेक्ट का पेपर है। ठीक है, जिसमें आप देख रहे हैं ये पेपर है 2013 का, जिसमें क्वेश्चन आया है मध्य गंगा मैदान में ग्रामीण अधिवास प्रारूप क्या है। ये आपको इस पे क्या करना, टिप्पणी लिखना है। ठीक है, मतलब रूरल सेटलमेंट पैटर्न ऑफ मिडल गंगा प्लेन। सपोज इसी प्रकार से अगली बार क्वेश्चन आ जाए कि अपर गंगा प्लेन में रूरल सेटलमेंट का क्या पैटर्न है, या क्वेश्चन कुछ चेंज कर दे कि हमारे अपर गंगा प्लेन में वर्षा का क्या प्रतिरूप है, या वनस्पति वेजिटेशन कौन कौन से पाए जाते हैं, तो इसलिए इनका डिविजन करना जरूरी है। और जब आप उनके फीचर्स पढ़ेंगे, रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, टाइप ऑफ द सॉयल, कौन से मृदा, कौन किस प्रकार की मृदा वहां पे पाई जाती है, तो इन सभी को आप यहां पे समझ पाएंगे कि किस क्षेत्र में, गंगा मैदान के किस भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, किस प्रकार का वनस्पति पाया जाता है, कितना वहां पे रेनफॉल होता है
और उस हिसाब से आप ये बता पाएंगे कि वहां पे रहने वाले जो लोग होंगे उनका क्या ऑक्यूपेशन होगा और साथ ही साथ वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी होगी, सब कुछ आपको रिलेट कर पाएंगे। बट पहले आप हर क्षेत्र को बाउंड्री बनाइए, हर क्षेत्र का बाउंड्री तो बनाइए अपने दिमाग में, उनका एक इमेज बनाइए। तो अपर गंगा प्लेन कहां से कहां तक एक्सटेंड करता है पहले आप उसको समझिए, ठीक है। तब आप जब आगे सारे फीचर पढ़ेंगे हमारे इंडियन ज्योग्राफी में तो आप उन सभी को कोरिलेट कर पाएंगे, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बाउंड्री तो समझ गएंगे अपर गंगा प्लेन का, ठीक है। इसका जो एरिया है वो कितना है, लगभग 1,50,092 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और ये हम कहाँ पे लाई करता है, हमारे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये लाई करता है, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने दाहोब शब्द आपको बताया था कि जब दो रिवर्स, दो महान नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे दाहोब बोलते हैं। तो यहाँ पे यमुना रिवर फ्लो कर रहा है और यहाँ पे हमारा गंगा रिवर फ्लो कर रहा है, तो इनके बीच का जो क्षेत्र होगा उसे हम क्या कहेंगे, गंगा यमुना दाहोब कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आ रहा चंबल नदी, यहाँ से देखिए चंबल नदी आ रहा है और जहां पे चंबल नदी मिलता है वहीं से 100 मीटर कॉन्टूर लाइन आरंभ होता है अपने दक्षिण में, ठीक है, लगभग में। ये हमारे अपर गंगा प्लेन का ही मतलब को फिगर किया गया, दिखाया गया है। ये हमारा है रॉयल खंड प्लेन, इट मीन्स दैट इसको हम रॉयल खंड मैदान भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रॉयल खंड का मैदान गंगा मैदान के किस भाग में है, तो आप बताएंगे अपर गंगा प्लेन में, ऊपरी गंगा के मैदान में, ठीक है। तो रॉयल खंड प्लेन हो गया, गंगा यमुना दाहोब हो गया। आफ्टर दैट इस क्षेत्र में बहने वाली जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं वो कौन है, गंगा है, यमुना है और शारदा है। देखिए मैप को, ये हमारा यमुना है, फिर ये हमारा मध्य में गंगा, इसके बाद शारदा एकदम इस तरफ है, ठीक है। अपर गंगा प्लेन ऊपरी गंगा के मैदान का जो एक यूनिक फीचर है वो है यहाँ पे भूर का पाया जाना। ये एक प्रकार का पवन स्थलाकृति है, विंड लैंडफॉर्म है, जिसको हम विंड लैंडफॉर्म में अच्छे से पढ़ेंगे, बट फिर भी मैं आपसे ये कहता हूं कि आप इसको सर्च कीजिए कि भूर क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे एग्रीकल्चर भी काफी डेवलप है, ठीक है, यहाँ पे अच्छी खासी खेती होती है। यहाँ पर उगने वाले क्रॉप्स हैं, सुगर कैन हो गया, राइस हो गया, वीट हो गया, पल्सर हो गया, मस्टर्ड हो गया, वेजिटेबल्स हो गया। तो इस क्षेत्र में गन्ना, चावल, गेहूं, दाल, सरसों और सब्जियां उगाई जाती है। बाकी और सारे फीचर्स, किस प्रकार की मिट्टी यहाँ पाई जाती है, किस प्रकार के फॉरेस्ट वन यहाँ पाए जाते हैं, ये सभी हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम उनका स्पेशल वीडियोस पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं अब मिडिल गंगा प्लेन, मध्य गंगा के मैदान में। सबसे पहले हम देखते हैं इसका एक्सटेंशन, क्योंकि बाउंड्री फॉर्म करना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि कहां से कहां तक हमारे मध्य गंगा का मैदान पाया जाता है। तो हमने कहा कि इसके इस समय वेस्ट में क्या हो जाएगा, पश्चिम में क्या होगा, 100 मीटर कॉन्टूर लाइन, वही 100 मीटर समोच्च रेखा जो कि हमारे अपर गंगा प्लेन ऊपरी गंगा के मैदान का हमारा ईस्टर्न बाउंड्री होता था, वो हमारे मिडिल गंगा प्लेन मध्य गंगा के मैदान का वेस्टर्न बाउंड्री, पश्चिम बाउंड्री होगा, ओके। फिर नॉर्थ में यहाँ भी शिवालिक पाया जाएगा और इसके साउथ में देखा जाए तो पेनिनसुलर प्लेटूस के कुछ भाग होते हैं जो इसके साउथ में है, ठीक है। आफ्टर दैट इसका जो हमारा ईस्टर्न बाउंड्री है, पूर्वी बाउंड्री है, वो मुजफ्फरपुर और पटना, ये बिहार का क्षेत्र है, ये मुजफ्फरपुर और पटना इन क्षेत्रों के द्वारा बनाया जाता है इसका ईस्टर्न बाउंड्री, पूर्वी बाउंड्री, ओके। इसका एरिया कितना है, तो ये लगभग 1,44,409 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, ठीक है, कौन, मध्य गंगा का मैदान। इस पार्ट में कौन कौन सा भाग आता है, पॉलिटिकली देखा जाए, राजनीतिक रूप से कौन कौन सा भाग आता है, तो मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ पटना और मुजफ्फरपुर, ये बिहार मैदान का भाग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा मध्य गंगा का मैदान है उसमें उत्तर प्रदेश का मध्य और पूर्वी भाग होगा और साथ ही साथ बिहार मैदान के मुजफ्फरपुर और पटना तक का क्षेत्र, ठीक है। इट मीन्स दैट ये हमारा मुजफ्फरपुर और ये हमारा पटना, यहाँ तक का जो बिहार का मैदान होता है वो भी हमारे मध्य गंगा के मैदान में आता है, ठीक है। इसके पश्चिमी भाग में, पश्चिम उत्तर पश्चिमी भाग में देखिए तो इसको अवध प्लेन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर फ्लो करने वाली इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं यमुना, जो कि आकर के इलाहाबाद के संगम प्रयाग में आकर के ये मिल जाती है गंगा से, ठीक है। तो यमुना हो गया, गंगा हो गया,
शारदा जो कि आपने देखा था कुछ इस प्रकार से हमारे अपर गंगा प्लेन से आया, ठीक है, और फिर मिडिल गंगा प्लेन में इंटर किया, बट आगे चल के इसका नाम घाघरा हो जाता है, ठीक है, जिसमें आगे से आकर के राप्ती मिलती है और गंडक। तो इस क्षेत्र के ये प्रमुख नदियां हैं, ठीक है, जिन जो कि अपना कोर्स हमेशा चेंज करती रहती है। मतलब कि इस क्षेत्र में क्या होता है, जो नदियों की ढाल होती है वो बहुत ही मंद हो जाती है, बहुत ही स्लो हो जाती है, मतलब कि इनका जो स्लोप होता है बहुत ही कम हो जाता है, और कम स्लोप के कारण से ये फिर क्या होता है, बलखा के चलने लगती हैं, जिसके कारण से, मतलब कहने का ये है कि इनका जो वर्टिकल इरोजन है वो अब उतना इफेक्टिव नहीं रह जाता, बल्कि इनका हॉरिजेंटल इरोजन मतलब क्षैतिज जो अपरदन होता है वो ज़्यादा हो जाता है। इसी कारण से इनका जो मतलब कोर्स होता है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। यहाँ पे कोर्स का मतलब रास्ते से होगा, हिंदी में हम रास्ता बोलना चाहेंगे यहाँ पे। इसी कारण से यहाँ पे डिफरेंट रिवर लैंड फॉर्म पाए जाते हैं, जैसे कि मियांडर हो गया, नदी विसर्प, ऑक्सबो लेक, गोखुर झील। मियांडर नदी विसर्प क्या होता है, जब नदियाँ कुछ इस प्रकार से चलने लगती हैं, मतलब कि सर्प की तरह से ऐसे चलने लगती हैं, इसको नदी विसर्प कहता है, कहा जाता है, सॉरी, ठीक है। और गोखुर झील क्या होता है, नदियाँ कुछ इस प्रकार से चल रही होती हैं, और सपोज कीजिए पहले नदी इस तरफ से इधर से फ्लो करता था, अब इसने अपना रास्ता चेंज कर दिया, नदी अपना रास्ता चेंज करके कुछ इस प्रकार से यहाँ से फ्लो करने लगा, तो ये जो बचा भाग एक झील के समान रहेगा, और इसी को गोखुर झील या छोड़न झील भी कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से डिफरेंट रिवर लैंड फॉर्म्स यहाँ पाए जाते हैं हमारे मध्य गंगा के मैदान में, ठीक है। आइए चलते हैं हम लोअर गंगा के प्लेन पर। लोअर गंगा प्लेन का मतलब हो गया निचला गंगा का मैदान, ठीक है। पहले तो इसका एक एक्सटेंशन समझते हैं, इसका विस्तार समझते हैं हम, ठीक है। तो देखिए, तो जो मध्य गंगा के मैदान का जो पूर्वी बाउंड्री था, ठीक है, ईस्टर्न बाउंड्री था, वो हमारे लोअर गंगा प्लेन निचले गंगा के मैदान का वेस्टर्न बाउंड्री होगा, पश्चिमी बाउंड्री होगा, ठीक है। आफ्टर दैट इसके नॉर्थ में दार्जिलिंग का जो गिरिपाद है वो इसका नॉर्थ बाउंड्री फॉर्म करेगा, ईस्टर्न बाउंड्री असम और बांग्लादेश के बॉर्डर फॉर्म करेंगे, ठीक है। इसके इस प्रकार से देखिए, इधर पश्चिम में राजमहल हिल और छोटा नागपुर प्लेटू इस तरफ बाउंड्री फॉर्म करेंगे, और यहाँ साउथ में देखिए, तो साउथ में यहाँ पे होगा आपका क्या, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल का खाड़ी जो होगा वो उसका साउथ बाउंड्री फॉर्म करेगा, ठीक है। इसका कुल क्षेत्रफल जो है वो है 80,968 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका एक्सटेंशन कुछ इस प्रकार से मैंने लिखा है। पॉलिटिकली बात किया जाए, पॉलिटिकली तो ये मुजफ्फरपुर और पटना के बाद का जो हमारा बिहार प्लेन वाला जो क्षेत्र है वो पूरा आएगा, और साथ ही साथ हमारा जो पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र होता है पूरा वो आएगा, ठीक है। यहाँ पर जो रिवर फ्लो कर रही है वो कौन सी है, तो यहाँ पर देखिए गंगा रिवर आती है, और गंगा रिवर यहाँ पर आने के बाद दो ब्रांचेस में बढ़ जाती है, एक बांग्लादेश में चली जाती है जिसकी मेन ब्रांच है, और दूसरा हुगली के नाम से यहाँ पे वेस्ट बंगाल में फ्लो करता है, ठीक है। और इधर से आकर ये मिलने वाली जो रिवर है उसका नाम है कोसी रिवर। क्या? कोसी रिवर, ठीक है, बहुत ही फेमस रिवर है, ढूंढिएगा क्यों फेमस है हमारी कोसी रिवर। लोअर गंगा के प्लेन पे निचले गंगा के मैदान में दो इम्पोर्टेंट फीचर है, एक हमारा रार प्लेन, सॉरी यहाँ पे RAR H लिखा है, यच पहले होगा आर बाद में होगा, ठीक है, रार प्लेन, और दूसरा है सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। रार प्लेन देखिए कहाँ पे है, तो छोटा नागपुर के पूर्व में है, छोटा नागपुर के पूर्व में हमारा रार प्लेन कहाँ पे स्थित है, तो वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। और सुंदरबन डेल्टा आपको पता है जहां पर हुगली नदी आकर के अपना डेल्टा फॉर्म करती है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में, तो वहां पे सुंदरबन डेल्टा का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फीचर है, आइए इनको हम देखते हैं। तो रार प्लेन, रार का मैदान जो क्या ईस्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर पठार के पूर्व में है। यहाँ पर जो दो नदियां ड्रेन करती हैं, अपवाहित होती हैं, वो कौन कौन सी हैं, दामोदर और स्वर्णरेखा। दामोदर और स्वर्णरेखा यहाँ से अपवाहित होती हैं इस प्लेन से, रार प्लेन से, और यहाँ पर चावल और दाल की खेती होती है, ठीक है। तो चावल और दाल के लिए बहुत फेमस है ये रीजन, और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये दामोदर रिवर यहाँ से आ करके फिर मिलती है हमारे हुगली रिवर से। और इसके बाद जब ये रिवर आगे बढ़ के एक मार्सी लैंड फॉर्म करती है, डेल्टा का फॉर्म करती है, तो डेल्टा रीजन जो होता है थोड़ा सा मार्सी होता है, थोड़ा दलदली होता है, और दलदली रीजन में क्या होता है कि जो सुंदरी ट्री होता है, सुंदरी ट्री जो होता है उसके लिए फेवरेबल होता है कि वो दलदली इलाकों में ही होता है। तो उस
दलदली इलाके में, ठीक है, मतलब कि वेस्ट बंगाल जो हमारा पश्चिम बंगाल है उसके सबसे सदर्न पोर्शन में जो बे ऑफ बंगाल में है, ठीक है, वहां पर क्या होता है, एक मार्सी लैंड फॉर्म होता है, दलदली भूमि फॉर्म होता है या दलदली जो डेल्टा फॉर्म होता है, वहां पर सुंदरी नामक पेड़ पाई जाती है और इसी कारण से उस रीजन को हम सुंदरबन के नाम से जानते हैं। ठीक है, बाकी इसके बारे में आगे हम बहुत सारी चर्चाएं करेंगे, ठीक है, सुंदरबन के बारे में। अभी हमारा मकसद प्लेन को समझना है सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट्स है जिसको हम पहले एक बार रीड आउट कर देते हैं, फिर आपको समझाते हैं। द लोअर गंगा प्लेन हैज बीन फॉर्म्ड बाय द डाउन वार्पिंग ऑफ द पार्ट पेनिनसुलर इंडिया बिटवीन राजमहल हिल्स एंड द मेघालय प्लेटू एंड सब्सिक्वेंट सेडिमेंटेशन बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स। आइए देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपको पता होगा कि जो मेघालयन प्लेटू है, मेघालय का जो पठार है, गैरो खासी जांतिया, ये सब क्या है, हमारे प्रायद्वीपीय भारत के भाग है। अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन उठता है कि अगर मेघालय पठार, मेघालय का जो पठार है वो हमारे प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है तो वो इतना दूरी पे क्यों स्थित है, ठीक है। राजमहल हिल ये सब हमारे प्रायद्वीपीय भारत के पठार के हिस्से हैं और ये मेघालयन प्लेटू भी प्रायद्वीपीय भारत के पठार का हिस्सा है, तो ये इतना बड़ा गैप कैसे आ गया इनके बीच में। तो वही कहा गया है कि राजमहल हिल और मेघालयन प्लेटू के बीच में एक बहुत ही बड़े गैप का निर्माण होता है जिसे राजमहल गारो गैप कहा जाता है। राजमहल यहाँ से, गारो यहाँ से, ठीक है, क्योंकि मेघालय प्लेटू का जो पहला वाला हिस्सा है वो गारो हिल्स के नाम से जाना जाता है, तो राजमहल गारो गैप के नाम से जाना जाता है। तो इस क्षेत्र में क्या हुआ कि एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन गया और उस गड्ढे में, ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा गंगा रिवर और यहाँ पे देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर ने ला करके मलबों का जमाव किया जिसकी वजह से यहाँ मैदानी क्षेत्र का निर्माण हुआ, ठीक है। और ये देखिए बांग्लादेश में इसका एक्सटेंशन ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि इस प्लेन का कुछ हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा किस प्रकार से बना है, ठीक है, खासकर राजमहल हिल और गारो हिल के बीच का जो हिस्सा है वो किस प्रकार से बना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्लेन पे, द ब्रह्मपुत्र प्लेन और असम प्लेन, ठीक है। तो पहले इसका लोकेशन देखते हैं। इस प्लेन को हम ब्रह्मपुत्र प्लेन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस प्लेन का निर्माण ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है, और इसको असम प्लेन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका मोस्ट ऑफ द पोर्शन इंडिया के रिस्पेक्ट में वो हमारे असम स्टेट में है, असम राज्य में है, ठीक है। आप देख रहे होंगे मैप में, तो ये हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मैप है जिसमें ये हमारा ब्रह्मपुत्र प्लेन और असम प्लेन को दर्शाया गया है, ठीक है, जो मेनली कहाँ पे है, तो असम राज्य में है, ठीक है, यहाँ पे मिकिर हिल वाला रीजन छोड़ के, और थोड़ा सा हिस्सा इसका कहाँ पे, मेघालय में है, थोड़ा ये मेघालयन प्लेटू के आसपास देख रहे होंगे, आसपास के क्षेत्र में थोड़ा सा इसका एक्सटेंशन है, ठीक है, और थोड़ा बहुत एक्सटेंशन नागालैंड में है, बट मोस्टली अधिकांशता इसका एक्सटेंशन असम राज्य में है, इसलिए इसको असम प्लेन भी कहा जाता है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल आप देख रहे होंगे 56,275 किलोमीटर स्क्वायर के लगभग है, लंबाई लगभग 720 किलोमीटर है और चौड़ाई विड्थ लगभग 80 किलोमीटर के आसपास है। तो इस प्रकार से आज हमारा जो प्लेन वाला वीडियो है, प्लेन वाला जो सीरीज है वो खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट सीरीज में मिलेंगे आपसे प्रायद्वीपीय पठार के साथ, पेनिनसुलर प्लेटूज के साथ, ठीक है। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि मेंस के आंसर राइटिंग के पर्पज से आप कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने नहीं कराया था, इसके लिए मुझे खेद है कि हिमालय के महत्व को मैंने नहीं बताया है आपको, ठीक है। हिमालयन वाला वीडियो सीरीज खत्म हुआ था, सोचा था लास्ट में हिमालय का इम्पोर्टेंस बताऊंगा, बट मैं नहीं बताया हूं। बट ये आपका यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हिमालय के महत्व को आप लिखिए, ठीक है, 200 वर्ड में। और साथ ही साथ एक और क्वेश्चन है, उत्तर के महान मैदान का इम्पोर्टेंस आपको लिखना है 200 वर्ड में, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एनालिसिस क्रिटिकली द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, ठीक है, ये आपको लिखना है। एक और क्वेश्चन है, ये भी 200 वर्ड में लिखना है आपको। क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया आपको करना है कि उत्तर के महान मैदान का उत्पत्ति कैसे हुआ और साथ ही साथ इसका क्रमिक विकास कैसे हुआ, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को आप कीजिए, खुद से कीजिए, प्रयास कीजिए आंसर राइटिंग का, क्योंकि आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द पोर्शन आपका आंसर राइटिंग का है, मोस्ट ऑफ द नंबर आप आंसर राइटिंग से पाने वाले हैं। तो प्लीज आंसर राइटिंग का पूरा अभ्यास कीजिए। मैं इसीलिए लिखित वीडियो आपको अपलोड करके रखता हूँ, आपके लिए बनाता हूँ, ताकि आप राइटिंग प्रैक्टिस करें, ठीक है, और आपका जो इन्फॉर्मेशन हो वो राइटिंग फॉर्म में हो, ना कि एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो। मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि आपको सब्जेक्टिव फॉर्म में मैं
आपको नोट्स दूं, ठीक है, अपने इन्फॉर्मेशन सब्जेक्टिव फॉर्म में दूं, और मैपिंग और क्वेश्चन का मैं एक सीरीज चलाया हूं जिसमें आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरी तरह से कर पाएंगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थर्ड फिजियोग्राफिक फीचर ऑफ इंडिया के साथ द पेनिनसुला प्लेटू प्रायद्वीपी पठार के साथ, ठीक है। तो प्लीज दोस्तों आपसे ये रिक्वेस्ट है, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले और आप रहे सबसे आगे। ओके बाय दोस्तों, सी यू।